नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास टेंथ की हिंदी। क्लास टेंथ की हिंदी में हमने पिछले सेशन में अपना चैप्टर कन्यादान जो है कंप्लीट कर लिया था और आज हम बिल्कुल उसी का जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 9 संगतकार, इसे हम पढ़ेंगे। ये कविता मंगलेश डबराल जी द्वारा लिखी गई है और इस कविता में कवि ने जो संगतकार है उसकी मुख्य जो भूमिका है उसके बारे में यहाँ पर बताया है। तो संगतकार के बारे में कवि ने यहाँ पर बताया है कि संगतकार वे होते हैं जो मुख्य गायक के बाद स्वर को उठाते हैं। तो कभी कभी तो संगतकार मुख्य गायक के बाद इसीलिए गाते हैं ताकि वो मुख्य गायक को ये एहसास दिला सकें, ये बता सकें कि वो अकेले नहीं है। और कभी कभी संगतकार यानी कि जो पीछे से जो गाने वाले लोग होते हैं वो इसीलिए गाते हैं कि संगीतकार को यह बताने के लिए कि किसी भी राग को दोबारा भी गाया जा सकता है। तो इसी बारे में ये पाठ हमारा यहाँ पर लिखा गया है। इस कविता के बारे में हम और भी ज्यादा पढ़ेंगे, समझेंगे और सबसे मेन बात है कि ये कविता आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए इसके भावार्थ को। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कविता जो है मंगलेश डबराल जी द्वारा लिखी गई है। मंगलेश डबराल जी की जो कविता संगतकार है, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कवि परिचय ले लेते हैं, यानी कि मंगलेश डबराल जी के बारे में थोड़ा सा उनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। तो मंगलेश डबराल जी का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफल पानी गांव में हुआ था। तो बिल्कुल ये हमारे उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं और उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था, काफल पानी नामक गांव में, और शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह में सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा में संपादन कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए थे। मंगलेश डबराल के 4 जो कविता संग्रह हैं वो प्रकाशित हुए थे। सबसे पहला है पहाड़ पर लालटेन, दूसरा घर का रास्ता, नंबर 3 हम जो देखते हैं, और आवाज भी एक जगह है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। मंगलेश की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पानी, पोलैक्सी और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन करते हैं। तो यहाँ पर मंगलेश डबराल जी का जो थोड़ा सा जीवन परिचय हमें यहाँ पर दिया गया है ये हमने पढ़ा। और अब हम यहाँ पर जो आपकी कविता है, मुख्य कविता जो आपकी है यहाँ पर मुख्य रूप से दी गई है संगतकार। तो संगतकार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कविता जो यहाँ पर दी गई है संगतकार, इसमें कविता के गायन में जो मुख्य गायक का साथ देने वाले होते हैं संगतकार, जो मुख्य गायक के साथ का साथ देते हैं। आपने देखा होगा
कि जहां पर भी कहीं पे आपने देखा होगा कि कोई अगर सिंगिंग कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, तो हमेशा उसके साथ कुछ संगतकार होते हैं जो कुछ स्वरों को, कुछ रागों को दोबारा से रिपीट करते हैं, दोबारा से उन्हें गाते हैं। वैसे तो अकेले कोई भी म्यूजिक नहीं बनता, उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जब कोई गायक होता है, गायक के साथ भी कुछ संगतकार होते हैं, तो यहाँ पर उन्हीं संगतकार की भूमिकाओं के महत्व पर विचार किया गया है इस कविता में। ये कविता उसी संगतकार की भूमिका के महत्व कि आखिर कितना महत्व है उस संगतकार की का इस कविता में, या उस संगीत में, या उस गायन में। तो यहाँ पर दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों, कोई भी दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियां अगर आपने देखी हैं, जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में, तो यह सही है ही। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देखते हैं जहां नायक की सरलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होती है। कि एक तो आप देखते हैं कि मूवी देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पर हम आपको किसी नाटक या फिल्म या किसी म्यूजिक के बारे में अगर हम बताएं, तो केवल जो अभिनेता या अभिनेत्री या नायक या नायिका होते हैं, केवल उसके कारण ही वो फिल्म या वो नाटक या वो गीत फेमस नहीं होता। कई बार आप देखते हैं कि जो नृत्य करने वाले होते हैं, जो अभिनेता अभिनेत्री होते हैं, उनके पीछे भी कई लोग नृत्य कर रहे होते हैं और कई लोग उनके साथ में नृत्य कर रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो संगीत होता है, जो गाना होता है, वो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, और ज्यादा मनोरंजक हो जाता है, अच्छा हो जाता है। और इसी तरह आप किसी फिल्म को देखेंगे, क्या अगर किसी फिल्म में केवल अभिनेता और अभिनेत्री परफॉर्मेंस करेंगे, केवल अभिनेता और अभिनेत्री होंगे, तो क्या वो फिल्म अच्छी होगी? नहीं। साथ में क्या होता है कि वहां पर उस फिल्म की सफलता में अनेक लोगों की भूमिका होती है, अनेक लोग उस नायक नायिकाओं की सफलता के पीछे होते हैं। और यहाँ पर क्या है, ये कविता हम में यह संवेदनशीलता विकसित कर रही है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है। तो यहाँ पर ये जो कविता है, ये हमें उन लोगों के लिए हमारे मन में संवेदनशीलता लेकर आ रही है, संवेदनशीलता विकसित कर रही है कि वो जो लोग हैं, उनमें से प्रत्येक का, हर एक व्यक्ति का अपना अपना महत्व है, और उनका सामने ना आना उनकी कमजोरी नहीं है, उनकी मानवीयता है। ऐसा नहीं, उनका सामने ना आना, कभी भी आप मूवी को अगर फिल्म के बारे में अगर आप बात करते हैं, तो हमेशा अभिनेता और अभिनेत्री के बारे में बात करते हैं। कभी भी आप फिल्म में जो बाकी लोग हैं उनके बारे में बात नहीं करते, उनके अभिनय के बारे में बात नहीं करते। तो उनका सामने ना आना ये कोई उनकी कमजोरी नहीं है कि वो लोग कमजोर हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, कि वो इसीलिए वो हमारे सामने नहीं है या इसीलिए वो फेमस नहीं है। ये उनकी मानवीयता है, क्योंकि वो उनका काम जो है, वो अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं और अपने काम के लिए उनका महत्व है। तो इसीलिए वो सामने आना, केवल लोगों के सामने आना, केवल लोगों में प्रचलित होना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो अपने काम को, एक फिल्म को प्रसिद्धि मिली है, एक गाने को प्रसिद्धि मिली है, एक नाटक को प्रसिद्धि मिली है, तो केवल एक व्यक्ति इसके पीछे नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है, बहुत सारे लोगों की महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो इसमें काम आती है। तो संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हों। तो ये जो कविता यहाँ पर आपको बताई गई है, इसमें संगीत की सूक्ष्म समझ, छोटी सी, मतलब संगीत की थोड़ी सी समझ, और कविता की जो दृश्यात्मकता है, वो इस कविता को ऐसी गति देती है कि आपको ऐसा फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मानो आप ये सारी चीजें अपने सामने घटित होता देख रहे हैं। मानो आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि ये सारी चीजें आपके सामने ही घटित हो रही है। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर हमारा संगतकार।
जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमारा ये चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। तो यहाँ पर संगत कार के विषय में हम पढ़ेंगे। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने सरगम को लांघ कर चला जाता है या भटकता हुआ एक अनहर में, तब संगतकार ही स्थाई को संभालता संभालते रहता है। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी पंक्तियां इस कविता की लिखी गई हैं कि जब मुख्य गायक, जो मुख्य गायक है उसकी चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है ऐसा प्रतीत हो रहा है यहाँ पर आपको बताया गया है। देखिए आप इस तरह से इस कविता के भावार्थ को समझेंगे, लिखेंगे कि जो मंग यहाँ पर ये जो कवि है कवि ने गायन के गायन जो हो रहा है उसमें मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की महत्ता को समझाया है। तो क्या समझाया है कि गाने के मुख्य गायक का विश्वास भरा चट्टान की तरह अचल स्वर, जब एक गायक जब गाना शुरू करता है तो वो फुल कॉन्फिडेंस में होता है, उसे अपने संगीत पर पूरा पूरा भरोसा है, पूरा कॉन्फिडेंस है। तो वो अपने जो विश्वास भरा जो उसका चट्टान की तरह जो उसका ऊंचा स्वर जब निकल रहा है तो इस तरह से उस अचल स्वर का साथ देने वाले की जो आवाज है वो वाले की मधुर किंतु कमजोर, वह आवाज सुंदर यानी कि मधुर है लेकिन थोड़ा सा कमजोर है और धीमी है और कांपती आवाज धीरे धीरे आ रही है। और वह कांपता हुआ स्वर कैसा प्रतीत हो रहा है, वो कांपता हुआ स्वर प्रतीत हो रहा है जैसे कि वो किसी मुख्य गायक के छोटे भाई का स्वर हो या फिर उसका कोई शिष्य हो जो कि उससे संगीत सीख रहा हो। जब एक गुरु अपने शिष्य को सिखाता है तो बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन होती है। वो बिल्कुल एक लाउड स्वर में, तेज आवाज में, कॉन्फिडेंस के साथ वो बहुत तेज से पहला अपना स्वर निकालता है और उसके पीछे उसका शिष्य जो है वो अपनी सुंदर मधुर आवाज, क्योंकि वो भी संगीत सीख रहा है तो वो अपनी सुंदर मधुर आवाज, लेकिन वो आवाज थोड़ा सा कमजोर होती है, थोड़ा सा कांपती हुई होती है, तो इस तरह से वो थोड़ा सा धीमी भी होती है, उतना ज्यादा उस आवाज में वो आवाज इतनी ज्यादा बुलंद नहीं होती है। और तो कैसी प्रतीत हो रही है, मानो कि वो मुख्य गायक का या तो कोई छोटा भाई है या फिर उसका शिष्य है या फिर पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का संबंधी है, सगे सगा संबंधी है, यानी कि या फिर वो दूर से गुरु से सीखने के लिए, संगीत सीखने के लिए आने वाला किसी सगे कोई सगा संबंधी है जो अपने गुरु के घर पर आया हुआ है संगीत सीखने के लिए। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मुख्य गायक की गायक जो है वो एक लंबे समय से उसकी जो ऊंची आवाज है वो अपने स्वर को मधुर अपने मुख्य गायक की जो ऊंची आवाज है वो उसमें अपने मधुर स्वर की गूंज को मिलाता हुआ आया है। ऐसा नहीं है कि ये आजकल ही हो रहा है, जब से संगीत शुरू हुआ है, जब से गायन शुरू हुआ है, तब से गायक के साथ संगतकारों की भूमिका जो है वो बनी हुई है। तो ऐसा लगातार
होता हुआ आया है, एक लंबे समय से होता हुआ आया है कि मुख्य गायक की जो ऊंची आवाज है, गंभीर आवाज है, उसमें वो अपने मधुर स्वर को मिलाता हुआ, मधुर स्वर को जोड़ता हुआ आया है प्राचीन काल से, बहुत पहले के समय से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, और अक्सर कब, जब पहले, बहुत पहले से ही, जब मुख्य गायक जो है उसकी आवाज, जब जब गायक टेक छोड़ते हुए गीत के कठिन संगीत के स्वरों को विस्तार देता हुआ गहराई में तल्लीन हो जाता है, यानी कि आपने देखा होगा जब म्यूजिक जो कार होता है, जो संगीतकार होता है, जो गायक होता है, वो अक्सर क्या करता है, जब वो अपनी गहरी तल्लीनता में डूब जाता है, अपने स्वर को विस्तार देता हुआ, बहुत लंबा वो जब अपने स्वर को खींचता है, जटिल तानों के जंगल में जब वो खो चुका होता है, तो उस समय वो अपनी, यानी कि वो अपने सुर ताल से भटक कर अपने स्वरों की सीमा को लांघ कर किसी गहराई में चला जाता है। जब कोई गीतकार, जब कोई गायक अपने स्वरों की गहराई में जब डूब जाता है, तो उस समय ये जो संगीत संगतकार है, ये अपना सहयोग गायक के गीत को टेक, गीत के टेक को गाते हुए ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो वो क्या कर रहा हो, वो उसके स्थाई को संभाल रहा हो, उसको जो उसने गैप दिया है बीच में, तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो उसकी स्थाई को संभाल रहा हो। यहाँ पर अगली पंक्ति क्या कही गई है कि या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभालता रहता है। स्थाई को संभालता रहता है का क्या अर्थ है, तो स्थाई को संभालते रहने से यहाँ पर यह अर्थ है कि जब गायक अपनी स्वर की सीमाओं को लांघ देता है, अपनी सरगम की सीमाओं को लांघ देता है और किसी गहराई में चला जाता है, बहुत लंबी तान वो ले लेता है, तो ऐसे में जो सहयोगी गायक होते हैं वो टेक लगाते हुए ऐसे लगते हैं जैसे गायक के द्वारा छोड़े हुए सामान को वो समेट रहे हों, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो कितनी प्यारी पंक्तियां यहाँ पर लिखी गई हैं कि वो जब गायक अपने स्वरों की गहराई में खो जाता है, तो उस समय संगतकार जो होता है वो उसके गायक के टेक को गाते हुए ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे वो गायक का जो पीछे छूटा हुआ सामान है, यानी कि कुछ जो छूट चुका है उसको समेटता हुआ आगे बढ़ रहा हो और उसे याद दिला रहा हो जैसे कि वो भी बचपन में गायक, जैसे बचपन में उसने संगीत सीखना प्रारंभ किया था, गीत सीखना प्रारंभ किया था, गायन सीखना प्रारंभ किया था, तो आज वो यही याद उसे दिला रहा हो। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से जैसे राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तब मुख्य गायक को ढंडास बधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। तो जब इस तरह की बात यहाँ पर कही गई है कि तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता है, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढंडास बंधाता है कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि किस तरह संगतकार अपने गुप्त सहयोग से, क्योंकि उसका कोई भी वहां पर, उसका संगीत में कोई भी लोगों को वो नजर नहीं आता सामने, लेकिन वो अपने गुप्त सहयोग से अपने मुख्य गायक को किस तरह से सफल बनाता है, तो कवि कहते हैं कि जब मुख्य गायक
तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, यानी कि जब मुख्य गायक का ऊंचे स्वर में गाते समय जो स्वर है वो धीरे धीरे बैठने लगता है, और क्या कहा है, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। तो जब उसकी प्रेरणा, उसकी साधना अब उसका साथ छोड़ने लगती है तो उसका उत्साह जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो आवाज से राख सा कुछ गिरता हुआ, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे उसकी आवाज अब धीरे धीरे खत्म हो रही हो, उसकी आवाज अब धीरे धीरे जा रही हो। तो ऐसे में मुख्य गायक जो है, तभी मुख्य गायक को ढंडास बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। तो तब मुख्य गायक को संतावना देता हुआ संगतकार का जो स्वर है, साथी गायक का जो स्वर है, वो किसी अनिश्चित दिशा से आ जाता है। और क्या होता है, कभी कभी वह यूं ही देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वो अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। तो ये कहीं से जब संगीतकार, जब गायक अपनी आवाज के स्वरों को इतना ज्यादा खींचता है, अपनी लय को इतना ज्यादा, अपने तानों में इतना ज्यादा जब खो जाता है, तो ऐसे में संगतकार उसे झंडास, तो उस समय क्या होता है, जब उस अचानक से तार सप्तक में, यानी कि अपनी जो तार खींचते हुए जब उसका गला बैठने लगता है, अब धीरे धीरे उसकी प्रेरणा जो है उसका साथ छोड़ने लगती है, उसकी साधना उसका साथ छोड़ने लगती है, प्रतीत होता है कि उसका अब उत्साह धीरे से समाप्त हो रहा है, मानो जैसे लकड़ी जलने के बाद उसमें से राख गिरती रहती है। एक जब लकड़ी जलती है तो बहुत तेज उसमें से ज्वालाएं निकलती हैं, लेकिन जब वो धीरे धीरे ठंडी होती है तो उसमें से राख गिरने लगती है। तो उसी के समान प्रतीत होता है कि एक समय तो संगीतकार जो है, गायक जो है, वो बिल्कुल अपनी ऊंचे स्वर में वो गीत गा रहा है, लेकिन जैसे ही उसका उत्साह समाप्त हो रहा है, जैसे ही उसका जोश ठंडा हो रहा है, तो धीरे धीरे उसकी आवाज जो है वो जाने लगती है, समाप्त होने लगती है, मानो प्रतीत होता है जैसे उसका उत्साह अब अस्त हो रहा हो। तो तभी मुख्य गायक को, उस मुख्य गायक को समेटता हुआ, उस मुख्य गायक को संभालता हुआ, यहाँ पर उस जो संगतकार का स्वर है किसी अनिश्चित दिशा से आ जाता है। और कभी कभी तो संगतकार मुख्य गायक को यह सोचकर उसका साथ देता है कि यह बताने के लिए कि वो अकेला नहीं है, यानी कि उसे भी वो याद दिलाता है कि जिस राग को वो अभी अच्छी तरह से नहीं गा सका, और यह भी फिर से गाया जा सकता है, यानी कि जिस राग को वो छोड़ चुका है, जिस राग को उसने अभी वो अच्छी तरह से नहीं गा पाया, तो इसको एक बार और गाया जा सकता है। तो इसीलिए तभी वो उसको संभालने के लिए पीछे से आ जाता है और उसके साथ वो गाना शुरू कर देता है। दो बातें यहाँ पर आती कि वो सबसे पहले ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, इसीलिए वो उसके साथ गाता है, और दूसरा कि जो राग आप छोड़ चुके हो, ये राग फिर से गाया जा सकता है, इस राग को दोबारा गुनगुनाया जा सकता है। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो मुख्य गायक है वो अपने, जो मुख्य गायक के पीछे जो संगतकार है वो अपने आप को पीछे इसीलिए नहीं रखता कि उसे नहीं आता या वो कमजोर है, वो हमेशा अपने आप को इसलिए पीछे रखता है क्योंकि यही उसकी मानवता है। वो गायक के पीछे रहकर उसका सहायक बनकर अपने गीत को पूरा करना चाहता है। तो वो बताना चाहता है कि वो राग जो गाया जा चुका है उसे भी दोबारा गाया जा सकता है, और उसकी आवाज में एक हिचक जो है वो साफ सुनाई देती है, क्योंकि संगतकार की जो आवाज है उससे स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि वो झिझक रहा है। और ये झिझक क्यों झलकती है, क्योंकि वो अपनी आवाज को, अपने स्वर को
ऊंचा नहीं उठाना चाहता, वो ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं करता, वो नहीं चाहता कि मैं गायक से आगे बढ़ूं, क्योंकि वो उसको सपोर्ट करता है पीछे से। देखिए आप कोई भी व्यक्ति है यहाँ पर, भले ही वो कितना ही ज्यादा कितना भी बड़ा बन जाए, अगर उसे कोई सपोर्टर ना मिले तो वो आगे सक्सेस नहीं हो सकता। यानी कि हम जो काम करते हैं, अगर हम एक चीज के लिए स्वयं ही उठ जाएं तो ठीक है, हम उसको काफी हद तक कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें बहुत अच्छा करना है तो हमें अगर उन लोगों की अगर हम सहायता लेंगे जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो ये काम और भी अच्छा हो जाएगा। तो संगतकार जो है उसको पता है कि उसकी लिमिटेशन क्या है, उसको कहाँ तक गाना है, उसने कहाँ तक गीतकार की गायक की हेल्प करनी है, तो ये उसकी विफलता नहीं है कि वो अपने आप को लोगों के आगे नहीं लेकर आता, ये उसकी मनुष्यता है। उसको पता है मेरी लिमिटेशन क्या है, मुझे कहाँ तक रहकर ये सारी चीजें करनी है, या मुझे कहाँ तक रहकर अपने आप को अपनी कला को प्रदर्शित करना है। तो ये आप उसके सामने मतलब वो उसको कभी भी असफल हमें नहीं समझना है, जबकि ये उसकी ऊंची उठाने वाली एक मानवीय भावना हो सकती है। तो बच्चों, हमने मंगलेश डबराल जी द्वारा लिखा गया चैप्टर संगतकार जो है वो पढ़ लिया है। आशा करती हूँ कि आपको पाठ समझ में आया होगा। पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर अभी हमारे शेष हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम पाठ को एक बार रिवाइज करेंगे, पूरी समरी इस पाठ की हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।